होमी अदाजानिया ने साल 2005 में मूवी बीइंग साइरस से एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, नसीरुद्दीन शाह, डिंपल कवाडिया, बोमन ईरानी, सिमोन सिंह और मनोज पाहवा शामिल थे। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,91,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6,44,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2012 में इनकी अगली मूवी आई कॉकटेल। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, डायना पेंटी, डिंपल कवाडिया, बोमन ईरानी, रणदीप हुडा और मनोज पावा शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 53 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 71 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 122,99,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2014 में इनकी अगली मूवी आई फाइंडिंग फैनी। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, डिंपल कवाडिया, पंकज कपूर, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर शामिल थे। ये एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 29 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 35,91,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 63,77,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2017 में आई मूवी राब्ता। इस मूवी के डायरेक्टर थे दिनेश विजन और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे होमी अदाजानिया। इस मूवी के लीड कास्ट में सुशांत सिंह राजपूत, कीर्ति सैनन, राजकुमार राव, जिम सरब, वरुण शर्मा और दीपिका पादुकोण ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 47 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 25,67,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 39,05,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2020 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई अंग्रेजी मीडियम। इस मूवी के लीड कास्ट में इरफान खान, करीना कपूर, राधिका मदान, डिंपल कवाडिया, दीपक डोबरियाल, रणवीर शौरी और पंकज त्रिपाठी शामिल थे। ये एक ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का बजट 35 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 9,36,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 13,54,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको होमी अदाजानिया की एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। होमी अदाजानिया की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।